अकम्पनिंग डायग्राम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम गिवन है, ए बी सी डी लेबल कर लेंगे हम लोग. दिस इज सेमिनल वेसिकल, सेकेंड वन दिस वन इज प्रोस्टेट, ग्लैंड है सारी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दो पेयर्ड है, ये पेयर्ड होगी, ये अनपेयर्ड है ना. लेबलिंग करने से सॉल्व करना इजी हो जाएगा. दिस इज बेसिकली, अब आपको देखना है कि डी इज योर टेस्टिस रीजन, डी इज टेस्टिस एंड दिस पार्ट इज एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, ठीक है, एपिडाइडमिस. और उसके बाद में ये वास डिफरेंस से आपके निकल जाएगा. इसमें कैपिट कॉर्पस, ये कैपुट रीजन है, ये कॉर्पस है पूरा बॉडी का रीजन, और ये वाला टेल वाला कॉडा, कॉडा एपिडाइडमिस. तो ये तीन रीजन होते हैं एपिडाइडमिस में, ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस के तीन हिस्से कैपुट कॉर्पस एंड कॉडा, उसके बाद वास डिफरेंस एंड देन यूरेथ्रा. यूरेथ्रा में इजैक्युलेटरी डक्ट बन के और ये सीमन को लेके इजैक्युलेट हो जाएगी, ठीक है. अब आपसे क्वेश्चन में बेसिकली ए बी सी डी, ए डी डी एंड डी, चार लेबलिंग्स के बारे में पूछा है, यानी ये और मेजरली ये, ठीक है. अब पूछा क्या है, डी प्रोड्यूसेस स्पर्म बट नॉट टेस्टोस्टेरोन. डी जो है ये स्पर्म तो प्रोड्यूस करेगी लेकिन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करेगी. तो टेस्टिस जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, यहां पर पे स्पर्म के अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है लेडिक सेल्स के द्वारा, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई. उसके बाद में डी प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म, दिस इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि दोनों ही चीजें बनती हैं. तो डी प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन, एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ ए सीक्रेट्स अ लिक्विड रिच इन फ्रक्टोज, बिल्कुल ठीक बात है. कौन, ए जो है सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है, ये क्या करेगी, एक सिक्रीशन सिक्रीट करती है जिसमें फ्रक्टोज कैल्शियम ये सब चीजें रिच होती है, ठीक है. तो सिक्रीट इन फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बिल्कुल ठीक बात है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट थ्री एंड फोर आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट थ्री एंड फोर आर करेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी.